रास्ता जो है वो बंद हो गया है, अभी बड़ी मुश्किलों से इस रास्ते को खोला गया है। उतरो जी, 204 है, 204 बता के आ जाना, वापसी हमारी। वैसे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं, 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 नहीं वो बोल रहा था कि वापसी जाके ना एंट्री करा के जाना। साथियों, अब हम पेंगोंग झील से निकलकर मनाली वाले रोड पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ के पहाड़ कुछ अलग हैं, इनका रंग भी अलग है, बिल्कुल जामुनी कलर का रंग है पहाड़ों का। और मनाली वाले रोड पे हम चल रहे हैं, आज तो नहीं हम कल मनाली पहुंचेंगे क्योंकि शाम हो गई है, शाम के 4:45 बजने वाले हैं और अभी मनाली बहुत दूर है, यहाँ से 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो जहाँ भी अंधेरा हो जाएगा हम वहाँ स्टे करेंगे। साथियों, अब हमारा लेह लद्दाख का टूर समाप्त हो रहा है, हम लोग पेंगोंग झील से निकल चुके हैं वापस। अब हमारा वापसी का रास्ता शुरू हो गया है, यहाँ से हम लोग मनाली होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे और रास्ते में जो भी बेहतरीन लोकेशंस और बेहतरीन जगह हमें नज़र आएंगी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए हम चारों दोस्तों के साथ। एंजॉय किया दोस्तों? बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, मजा आया। तो ठीक है, आगे की जर्नी के लिए भी तैयार रहिए। अगला हमारा डेस्टिनेशन जो होगा वो मनाली, मनाली का होगा। और अभी रात को अगर हम शायद बीच में स्टे करेंगे। डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे फैमिली को जरूर लेकर के आना है। जी बिल्कुल, यहाँ अगला टूर फैमिली के साथ। ये वाकई में इंडिया का स्विट्जरलैंड है अगर सही पूछा जाए तो। हर चीज है यहाँ पे, सूखे पहाड़, हरे भरे पहाड़, नदियाँ, झीलें, झरने, सब कुछ, मट्टी के पहाड़, बर्फ के पहाड़, हर चीज है। क्या झील है, थोड़ी सी और, है और सुंदरता बहुत है, स्नो फॉलिंग। हाँ, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए, टूर बनता है। नमस्कार। नमस्कार। शाम के 6:30 बज चुके हैं, पहाड़ों के ऊपर चलते हुए देखिए प्लेन रोड मिली है। सभी दोस्तों की हालत बहुत खराब हो रही है, परंतु कोई स्थान नहीं मिल रहा रुकने का। चलते चले जा रहे हैं हम लोग, जहाँ भी हमें मिलेगा कहीं स्थान रुकने का वहाँ रुकेंगे। हमारी कोशिश है कोई अच्छी जगह मिल जाए। पांग अभी 45 किलोमीटर है भाई, पांग अभी 45 है। ऐसे रूम है, रेस्टोरेंट रूम, ये देखो ऐसे रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ये पर यहाँ हमारे लिए रुकना नहीं है, हमें जल्दी पहुँचना है स्टे पे किसी अच्छी जगह। ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे कम है क्योंकि रुकना खतरनाक है ज़्यादा देर यहाँ। साढ़े 6 बजे तक देखिए सूरज कितना निकला हुआ, अभी धूप है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं ऊपर। बहुत रेत में ऊपर जाइए गाड़ी। हाँ देखिए आप पहाड़ देखिए, लेह से मनाली के लिए जा रहे हैं, बीच में पांग पड़ेगा अभी 45 किलोमीटर पे, सरचू है 122 किलोमीटर पे और मनाली है लगभग अभी 350 किलोमीटर। निरंतर हम लोग चलते हुए, शाम के 6:30 बज चुके हैं, आज 27 तारीख को संडे। हमारी कोशिश है कि कोई अच्छी जगह हमें मिल जाए रुकने के लिए।
साथियों, मनाली वाले रोड पर भी बर्फ गिरी हुई है, काफी बर्फीले पहाड़ों पर हम लोग चलते हुए। पूरे रोड पर बर्फ और शाम के 6 बज गए हैं। 6 बजे भी देखिए पहाड़ों पर इतनी धूप है और हम लोग अभी सही जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ रुके हैं, इसलिए हमारा सफर अभी चलता हुआ। जैसे ही कोई अच्छी जगह मिलेगी हमें रुकने की हम वहाँ रुकेंगे आपको, क्योंकि बहुत थकावट हो रही है, सुबह से चल रहे हैं और इस समय ये बर्फीले पहाड़ हमारे बीच रास्ते में आए। मनाली से जो रूट है मनाली के लिए उस पर है, भाइयों पेंगोंग लेक से वापसी वाले रास्ते पर बर्फ़ गिर गई थी रात को और ये देखिए कितनी गिरी है और रास्ता जो है वो बंद हो गया है। अभी बड़ी मुश्किलों से इस रास्ते को खोला गया है, काफ़ी देर से रास्ता रुका हुआ था, गाड़ी ने क्रेन ने बर्फ़ हटाई है, वो देखिए क्रेन खड़ी है, क्रेन ने बर्फ़ हटाई है तब जाके रास्ता ये भी खुला है और रास्ता खुलने पर हम लोग निकल रहे हैं। देखिए बर्फ, ये देखिए, ये देखिए सारी बर्फ जमी हुई थी सारी, ये देखिए इस गाड़ी ने रास्ता अभी खोला है, ये रास्ता अभी खुला है तब हम लोग निकल पा रहे हैं। ये देखिए गाड़ी भी फिसल रही है लगातार यहाँ से। आधे घंटे बाद ये रास्ता खुल पाया तब हम लोग यहाँ से निकल पाए। शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है और हम लोग लगातार मनाली की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन मनाली बहुत दूर है, हमें कोई भी स्टे नहीं मिल रहा अभी तक। अब रात को ये बीच में ही कहीं टेंटों में रुकना पड़ेगा। मनाली अभी 329 किलोमीटर है, पांग अभी 30 किलोमीटर है, सूरज डूबने वाला है, यार टैंक फुल है और गाड़ी बता रही है कि तेल ले लो। है यार ये क्या मसला हुआ, मतलब डंडी कितनी दिख रही है? डंडी पूरी है, एक कम है बस। ये छालों में बताती है, देखिए साथियों कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर। उधर देखो सर 92 किलोमीटर, देखिए पहाड़ों पे अभी हल्की हल्की धूप है, एक साइड में अंधेरा हो चुका है और एक साइड में धूप है अभी, क्योंकि सूरज कितना ऊपर जाता जा रहा है। से मनाली वाले रोड पर हम लोग चलते हुए, शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग पहाड़ों के बीच में ये प्लेन सड़क आ गई है पहाड़ों के बीच में, उस पर चलते हुए देखिए, ये देखिए सूरज किस तरीके से डूबने वाला है, दिख रहा है आपको?
से देखिए कैंप के अंदर हमारे मित्र बैठे हैं और यहाँ रात को हम लोग स्टे करेंगे। मित्र ठंड बहुत है यहाँ पर, ठंड बहुत है तभी आज टोपा भी पहना है। और ना ये भी एक नया चाय पी ली, नया अनुभव है हमारे लिए जी। कोई होटल नहीं कुछ नहीं, नाइट स्टे करा है, देखिए क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे भी गरम गरम चाय पी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इस कैंप से बाहर निकलेंगे तो इधर ये खाना बनाने का स्थान है, यहाँ खाना बनेगा इनका। खाना बनाने का स्थान है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। नमस्कार।